आत्मीय व्यक्ति के साथ में चर्चाएं हो रही है, कैलाश जी के साथ में भी ठीक प्रकार से, हालांकि पहले मुलाकात है लेकिन ठीक प्रकार से समय बिताने का अवसर किसी के टीम के अंतर्गत ही मिला है, तो उनकी भी विद्वत्ता जो है वो अद्भुत है। और सबसे जो बड़ी बात रही है मेरे लिए और चिंता का भी विषय है, मेरे लिए बहुत सुख का भी विषय है और बड़ी चिंता का भी विषय है, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर निंदा हो, अगर कोई निंदा करे, कोई उपेक्षा करे, तो परेशानी होती है उससे, अच्छा नहीं लगता है उससे। उसी तरीके से अगर कोई इतनी प्रशंसा करे, इतनी प्रशंसा करे, इतनी प्रशंसा करे, जिसका कोई हकदार नहीं हो और उसकी इतनी प्रशंसा हो जाए, तो वो भी परेशानी करती है। जो रोजाना नशा करे, घर घर के जिले काम करे और उस पर कहीं किसी मत से उसका गुणगान हो और उसको पवित्र आत्मा बोला जाए, उसको अद्भुत ईश्वरीय शक्ति वाला बोला जाए, उसका जीवन जो प्रेरणा का स्रोत है ऐसा बोला जाए, तो उस व्यक्ति पर क्या गुजरती होगी, उस पर क्या गुजरती होगी। मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, तो मुझे कोई विलक्षण चीज़ें नहीं है, और जितनी आपको प्रसन्नता मिल रही है और जितनी तरह तरह से मतलब ढंग से लोग अपने अपना प्यार बता रहे हैं मुझे, एक और वो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है। एक प्यार मिलने के लिए जिंदगी भर तरस है, और यहाँ वो जिनको कभी देखा नहीं, जिनसे कभी बात नहीं हुई, ऐसे सारे लोगों का, ऐसा लाखों लोगों का प्यार मिलना बहुत गर्व की बात है। लेकिन वहां तक तो ठीक है, वहां तक तो ठीक है, जितना प्यार मिले उतना अच्छा है। लेकिन सब कुछ दिल की बात कह रहा हूँ कि जब बहुत प्रशंसाओं के पुल बनते हैं ना, तो मुझे लगता है कि नहीं 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 वो तो मेरे लिए बड़ी चिंता का विषय है। वो कहते हैं टू लिव अप टू एक्सपेक्टेशन, आपकी जो आपकी जो घर के अंदर में है जिसकी भरपाई है वो, तो मेरा एक दायित्व बनेगा, फिर मेरा एक मेरे ऊपर एडिशनल जिम्मेदारी आएगी कि कुछ तो करो भाई, कुछ तो करो, नहीं जस्टिफाई कुछ तो हो। तो मैं यही ना शुरू करता हूँ, कोई फिटकी नहीं लूंगा मैं, तो बहुत सारी बातें कही है उसी प्रति में एक एक करके बताता हूँ। पहला शिक्षक माँ होती है, ठीक है ना, हाँ माँ क्या सिखाती है, भाई माँ क्या सिखाती है, क्या सिखाती है आपको, क्या क्या माँ आपकी पहली शिक्षक थी, हाँ बताओ मुझे माँ ने आपको क्या सिखाया, पहला शिक्षक है सिखाया तो मेरे लिए, इस पहले शिक्षक की बात हो रही है, माँ ने क्या सिखाया, खाना खा लो, हाँ अल्फाबेट सिखाए, कितनी उम्र में, टू थ्री ईयर, दो तीन साल की उम्र से माँ ने अल्फाबेट सिखाया, इसलिए वो पहले शिक्षक से बनी, यानी दो तीन साल तक आपने कुछ नहीं सीखा था, दो तीन साल तक आपने कुछ भी नहीं सीखा था, बोलना सिखाती है, अच्छा ओके वेरी गुड, माँ जो है वो बच्चे को बोलना सिखाती है, याद है क्या किसी को, याद तो खैर नहीं होगा, सोचो तो कल्पना नहीं करो, माँ ने बोलना कैसे सिखाया आपको, कैसे सिखाया होगा माँ ने बोलना कैसे सिखाया होगा आपको, माँ बोली होगी आपने सुना होगा जी सर, क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है जो माँ बोल रही थी आपके जन्म के एक दिन बाद, दो दिन बाद बोलना आपने कब से शुरू किया था, माँ कहाँ है बीच में भाई,
पहले शिक्षक की बात होगी, माँ ने आपको बहुत कुछ सिखाया, माँ ने आपको बहुत कुछ सिखाया, लेकिन पहले शिक्षक की बात हो रही, सबसे पहले आपको किसने सिखाया कुछ भी? सबसे पहले नर्स ने, नर्स ने। सबसे पहली चीज जो आपने सीखी जन्म के बाद, सबसे पहली चीज जो आपने सीखी वो क्या सीखी और किसने सिखाई? रोना सीखा, रोना सीखा भगवान ने सिखाया। जन्म के बाद जो पहली चीज मैंने सीखी, बच्चे ने जो सीखी झड़िया ना रोना सिखाया, भूखने सिखाया। सबसे पहले जब बच्चे पहले तो पीठ पे ठोक खा के फिर उसको रोना भी खाते तो फिर देखो अच्छे जो सीखते हैं ना, स्कूल जाने के पहले बच्चे जो सीखते हैं वो खुद से सीखते हैं और प्रकृति से सीखते हैं। प्रकृति में माँ है, माँ सिखा देंगे, सिखा देंगे। प्रकृति में फूल आना है, पत्ती आना है, बारिश आना है, धूल उड़ना है, हवा चल रहा है, बड़े भाई बहन ने सिखाया क्या कब हवा आ रही है और कब हवा नहीं आ रही, ये बच्चों को पता हो जाता है ना कुछ थोड़े समय के बाद। किसने सिखाया? किसने सिखाया और बच्चे ने खुद सिखाया? बच्चे ने कुछ सीखा है तो वो अपना गुरु खुद है, उसको कोई अलग से उसके लिए ट्यूटरिंग नहीं हो रही, वो अपना गुरु खुद है। और अपना गुरु खुद होने की क्षमता बिना किसी प्रोग्राम के बिना किसी करिकुलम के बिना किसी परीक्षा के बिना किसी होमवर्क के बिना किसी असाइनमेंट के सीखने की क्षमता आपने जन्म से है ना, और आप उनका हर बच्चा उसका प्रदर्शन करता है, हर बच्चा उसका प्रदर्शन करता है कि वो जब तक सीखने जाता है ना उसके पहले उसके लिए कोई करिकुलम नहीं है, कोई नई शिक्षा नहीं है, पुरानी शिक्षा नहीं कुछ नहीं है, कोई इम्तहान नहीं है, कोई असाइनमेंट नहीं है, कुछ नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं है। कितनी घाटी से सीखता है, आपने बिना किसी सहायता लिए से जो हो रहा है प्रकृति में आपके आसपास, लोग जो बोल रहे हैं, लोग जो बोल रहे हैं, लोग जो काम कर रहे हैं, छोटे बड़े बच्चे अक्सर बड़े घर से माता पिता बोलते हैं इतना छोटा सा बच्चा बोलना माता ने रिमोट से टीवी चला रहता है, बोलते रहता। अब बता उसको रिमोट से टीवी चला, किसने सिखाया, किसने वो बताया जहाँ पे उसका कोई पन्ना बना हुआ था पहले ये देखो क्योंकि दाहिने साइड में ये बटन मिलेगा फिर उसको प्रेस करो फिर सब ऐसा होगा, ऐसा कोई बना था क्या, सिलेबस बना था क्या? बच्चे जो होते हैं वो अपने आस पास जो घटनाएं हो रही है, जो प्रकृति में घटनाएं हो रही है उसको देख कर तो अद्भुत चीजें सीखे, अद्भुत चीजें सीखे। हम भजन बड़ी क्षमता, आपने भजन बड़ी क्षमता है, वो कोई नहीं है। जब वो इतने लोगों में आप सीख तो इतने बच्चे बोलने आपकी क्या वो गई कहाँ जाएंगे, वो है और आप भूलिए भगवान जी की चर्चा हो रही थी बड़ी श्रोता खाने, लेकिन हनुमान जी को भूल जाते थे अपनी शक्ति, हनुमान जी कहा जाता है कि भूल जाते उनको याद करना पड़ता है, आप भगवान हनुमान हो, आप कर सकते हो, जब वो याद करता था तो कुछ कला बोला देते हैं और तुम कर तो महाराज को क्या हो गया है कि जब हनुमान जी की तरह हो गए हैं, हम सब एक महाशय में हनुमान जी की तरह हो गए हैं कि हम अपनी शक्तियाँ भूल गए,
और हम निर्भर हो गए। हम क्या करें, हमारे स्कूल में तो अच्छी क्लासेज ही नहीं लगती हैं, हम क्या करें, हमारे टीचर कुछ बताते ही नहीं हैं, हम क्या करें, हमारे तो कोचिंग में जाने के लिए पैसे ही नहीं है हमारे पास में। अपनी शक्ति हम भूल गए हैं, हम में बहुत शक्ति है, हम कुछ भी कर सकते हैं, बिना उनकी मदद के भी कर सकते हैं। क्या रखें दूसरे पास शिकाय पर जब हमने थोड़े में काम दो साल के पहले कर लिए उनके, तो ये जड़ी बूटी क्या है इंतजाम के लिए आप अपने ऊपर वो रखो। ये तरीके से भारत के विज्ञान की भारत के विज्ञान की बहुत अच्छे तैयार की है, भारत के विज्ञान की सबसे बड़ी चिंता है